आईसीसी और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित फिफ्थ राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन मुंबई के गोरेगांव प्रदर्शनी केंद्र में किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, कलराज मिश्रा, थावरचंद गहलोत, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, कैबिनेट मंत्री राजकुमार बड़ोले, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले सहित डीआईसीसी के चेयरमैन ने किया। इस फेयर में दलित उद्योजकों ने अपने स्टॉल के माध्यम से अपने अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी की। संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के 125वीं जयंती के मौके पर मुंबई में दलित उद्योजनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने डीआईसीसी के साथ मिलकर इस दलित और लघु उद्योग को बढ़ावा देने का जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। साथ बाबा साहेब की जो सोच है उसको बढ़ाने का काम डीआईसीसी ने किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार डीआईसीसी की हर संभव मदद करेगी। बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहली ही मीटिंग में स्मारक बनाने का निर्णय किया है। आइए सुनते हैं इस ट्रेड फेयर को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का और क्या कहना है। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डिक्की के माध्यम से आयोजित इस पांचवें व्यापार एवं उद्योग मेले में मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहाँ पधारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते जी, मेरे सहयोगी राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी, राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले जी, राज्य मंत्री दिलीप कांबले जी, साथ ही में मंच पर उपस्थित टिक्की के मार्गदर्शक श्री चंद्रकांत प्रसाद जी, टिक्की के चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, श्री किशोर खराज जी, श्री मिलिंद खराज जी, श्री आशीष कुमार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक परिपाटी शुरू की और देश भर से जो हमारे दलित उद्योजक हैं उनको इस व्यापार और उद्योग मेले के माध्यम से एकत्रित करने का, उनका नेटवर्क तैयार करने का और उनको मार्गदर्शन करने का एक बड़ा अनूठा प्रयास शुरू किया, जो लगातार हर वर्ष मैं देख रहा हूं कि बड़ा होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं और इसका विस्तार निश्चित ही हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसलिए आज के इस मौके पर देश भर से जो उद्यमी यहां पर पधारे हैं उन सभी का महाराष्ट्र की इस भूमि पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे सभी ज्येष्ठ वक्ताओं ने बताया कि जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है ये अपने आप में एक नई सोच को प्रस्थापित करने वाला कार्यक्रम है। जिस प्रकार से डिक्की ने अपना नारा दिया है कि नौकरी पाने वाले नहीं तो नौकरी देने वाले बनिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भी
अपने सारे विचारों में जिन अधिकारिता के बारे में सोचा वो केवल सामाजिक अधिकारिता नहीं थी, तो वो जानते थे कि सामाजिक अधिकारिता के साथ साथ जब तक आर्थिक अधिकारिता समाज को प्राप्त नहीं होगी तब तक सामाजिक उत्थान ये नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान के माध्यम से उन्होंने केवल सामाजिक समता को प्रस्तापित करने का प्रयास नहीं किया तो सभी समाज के लिए, केवल दलित समाज के लिए नहीं, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, तो सारे समाजों के लिए अपने संविधान के माध्यम से इस प्रकार की कल्पना को उन्होंने साकार रूप दिया जिसमें सामाजिक के साथ आर्थिक समता भी प्रस्तापित हो, तभी हमारा देश आगे जा पाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस आर्थिक समता की ओर जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज का ये जो मेला यहाँ पर टिक्की के माध्यम से हो रहा है उसको हम लोग निश्चित रूप से मान सकते हैं। हमने अगर दुनिया का के विकास का रास्ता अगर देखा तो सारी जगह जहां जहां वंचितों को आर्थिक अधिकारिता मिली वहीं पर विकास हुआ है। हम देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का मूल्य मापन करते हुए हमारे देश में आर्थिक विकास की दर क्या है, कितनी तेजी से हम विकास कर रहे हैं, पिछले वर्ष हमने कितनी वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन किया और इस वर्ष उससे ज्यादा हम कितना आगे बढ़े, इसके आधार पर हम लोग मूल्यमापन करते हैं। ये मूल्यमापन सही भी है लेकिन ये मूल्यमापन तब तक अधूरा है जब तक इस मूल्यमापन में हम लोग इस बात का मूल्यमापन नहीं करते कि आर्थिक विकास दर अगर बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई आर्थिक विकास दर में या जीडीपी अगर हमारा बढ़ा है तो उसमें हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के जो हमारे भाई बहन हैं उनका उनकी सहभागिता उसमें कितनी है, उस विकास दर में उनको कितना हिस्सा मिला है, कितना उन तक उसमें से पहुंच रहा है, इसका मूल्यमापन जब तक नहीं होगा तब तक इस प्रकार की आर्थिक विकास की दरें बढ़ेगी। लेकिन जिस सामाजिक आर्थिक समता को हमें प्रस्तापित करना है उस समता को हम प्रस्तापित नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं शायद इसी बात को मोदी जी की सरकार ने पहली बार समझा कि हमारी अर्थव्यवस्था के बीच जब तक हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हिस्सेदारी नहीं देंगे, जब तक उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सारे कागजों के ऊपर आंकड़े हैं। जैसा हम महाराष्ट्र के भीतर जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय ये 1.5 लाख की तरफ जा रही है लेकिन क्या सचमुच हर व्यक्ति का उत्पन्न 1.5 लाख तक पहुंचा है? क्या महाराष्ट्र में बसने वाला जो दलित है, जो गरीब है, जो अनुसूचित जनजाति का आदमी है, क्या उसको 1.5 लाख की आमदनी मिलती है? तो ध्यान में आता है कि नहीं मिलती। आज भी जब 30% लोगों को नरेगा पर काम करने के लिए जाना पड़ता है तो ध्यान में आता है कि अधिकारिता कागज के ऊपर है और जब तक यह अधिकारिता उस तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आर्थिक समता को हम प्रस्तापित नहीं करेंगे तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समता की परिकल्पना डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की उसको हम प्रस्तापित नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आवश्यकता इस बात की समझकर केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने यह बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि जिस निर्णय के तहत उन्होंने इस बात को समझा कि जब तक हम दलित एंटरप्रेन्योर्स नहीं तैयार करेंगे, जब तक आदिवासी और जनजातियों में बसने वाले लोगों को हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे उद्योग में उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये समता केवल भाषणों में रहेगी। और इसलिए मोदी जी की सरकार का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि पहली बार केवल कागजों में नहीं, केवल भाषणों में नहीं, तो अपनी कृति में
आर्थिक समता को उतारने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है और इसका श्रेय जैसे उस सरकार को जाता है वैसे उसका श्रेय डिक्की को भी जाता है, क्योंकि इस प्रकार की संकल्पना को सरकार तक पहुंचाने का काम ये डिक्की ने यहां पर किया है। जिस समय मिलिंद जी यहां पर अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने महाराष्ट्र की हमारी जो नई पॉलिसी है, जो नई नीति है कि जिस नीति के तहत हमने हमारे जो दलित उद्योजक हैं अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के, इनके लिए कई प्रकार के हमने उसमें सहूलियतें तैयार की है, और चाहे वो प्लॉट का आरक्षण हो, चाहे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में आरक्षण हो, अलग अलग प्रकार के माध्यम से उनको अधिकारिता मिल पाए, इस प्रकार का कार्य हमने किया है। और मिलिंद जी आपने उसकी तारीफ भी की और आपने ये भी कहा कि देश की सबसे अच्छी पॉलिसी ये है, लेकिन आप संकोचवश इस बात को नहीं कह पाए कि महाराष्ट्र की पॉलिसी को भी तैयार करने का काम आपने और डिक्की ने ही किया है, और आपके ही मार्गदर्शन के कारण आज इस पॉलिसी को महाराष्ट्र में हम लागू कर पाए हैं। लगातार पिछले सभी पांचों में उपस्थित रहा हूं और मैं अपने आप को बहुत खुदनसीब समझता हूं कि डिक्की के इस पूरी प्रक्रिया एक इस देश को अभिमान देने वाली है और उसका हम कहीं ना कहीं जाकर हिस्सा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं सहयोगिता में हम अपना योगदान दे रहे हैं। और इसलिए आज जब पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ, ऐसे 75 प्रसंग है कि जो आम आदमी को प्रेरणा दे सकते हैं, और इसलिए हमने ये सोचा है महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग की ओर से कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ये प्रदर्शनी हम लेके जाएंगे और महाराष्ट्र के युवाओं को डॉक्टर बाबा साहब जी के जीवन में जो घड़े प्रसंग है उससे जो प्रेरणा मिलेगी, काफी उनके पढ़ाई के समय के बाकी सभी प्रसंग है और बहुत बढ़िया प्रदर्शनी यहाँ प्रोफेशनल तरीके से लगाई है। दूसरी बात, मैं सोच रहा था कि 125वीं जनशताब्दी हम यहाँ बना रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सांस्कृतिक विभाग का भी मंत्री और हमने अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर अम्बेडकर जलसा का भी प्रोग्राम किया कि जिसमें पूजनीय बाबा साहब ने कर्मणों के द्वारा समाज प्रबोधन उस समय किया था और उसमें बाबा साहब जी के विचारों का दर्शन अभी हम इस गेटवे ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में किया और वो प्रोग्राम भी महाराष्ट्र के सभी विभाग केंद्र और जिलाओं में हम करने वाले हैं, ताकि बाबा साहब जी ने जो विचार दिए थे वो विचार कर्मणों के द्वारा आम लोगों तक पहुंचे, एंटरटेनमेंट के द्वारा पहुंचे, जिससे लोग ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। और डिक्की का ये प्रयास है, स्टार्टअप और स्टैंडअप का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, इस प्रयास से मौका तो मिल रहा है लेकिन ये मौका हासिल करने की मानसिकता भी बनाना जरूरी है। और इसलिए मैंने मिलिंद कांबळे जी से कहा कि महाराष्ट्र का हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग डिक्की के साथ अगर आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, डिप्लोमा कॉलेज में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप करना चाहते हैं तो डिक्की और महाराष्ट्र सरकार मिलकर आम छात्रों की एंटरप्रेन्योर बनने की मानसिकता बनाने का प्रोग्राम हम सरकार की ओर से घोषित करते हैं, ताकि मौका डिक्की दे रही है, मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन वो मौका हासिल करने की मानसिकता उनमें जो मनोबल बनाना चाहिए, मैं मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा वो हो सकता है। और सबसे आखिर बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने डिक्की के इस पूरे कारोबार की सफलता आप कैसे नापोगे, ऐसा जब मैंने मिलिंद जी को पूछा तब उनका जवाब था कि डिक्की के द्वारा जो उद्योजक बनेंगे वो उद्योजक देश के विकास के लिए कितना टैक्स दे रहे हैं, हमारे उद्योजकों की भी टैक्स देने की क्षमता बढ़े। मैं मानता हूं पहले घोषणा थी वी शुड नॉट बी जॉब सीकर्स, वी शुड बी जॉब गिवर्स, अब तो यह घोषणा हो गई इनकी
कि हम सरकार में जमा होने वाले टैक्स के द्वारा पैसे लेंगे नहीं, हम पैसा टैक्स के रूप में देना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपयोगिता, जब हम टैक्स के द्वारा अलग अलग विकास योजना करते हैं, वो तो करनी ही है, वो बंद नहीं होगी, वो तो और बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमारे दलित उद्योजकों का भी योगदान बड़ी मात्रा में होगा। और वो योगदान कितना है, ये डिक्की की सफलता का अगर मापदंड है, तो मैं मानता हूं कि इस देश में जो विचार पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब जी ने रखा था, उसको सही मायने में अमल करने का काम आज डिक्की के द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन मिलिंद जी, आपका और आपके सभी सहयोगियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।